अलक क्या हाल है आज पे आप हाँ लोगों को सिखाऊंगी सात तरीके स्प्रिंग रोल्स को शेप देने के ये डिफरेंट मेथड है मेरा खुद का इन्मेंट किया हुआ इनमें से बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं आपने पहले कभी देखी हूँ लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मैंने खुद से इन्वेंट की हैं ये रमजान स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने रोल्स के लिए स्प्रिंग्स के लिए बिकॉज हमें आजकल ज़रूरत होती है रमज़ान चल रहे हैं तो ये तो सबसे पहला आपका बेसिक शेप है एकदम टिपिकल शेप है मैंने जो है पानी यूज़ किया है लई यूज़ नहीं की है क्योंकि मैं तो पानी से ही बनाती हूँ और मेरे लिए इजीली पानी से बन जाता है तो मुझे कोई मसला नहीं आता ये देखिए हमारी पहली शेप तैयार हो गई हम ये सिंपल टिपिकल स्टाइल है इसके बाद मैं आपको दूसरी शेप दिखाती हूँ पर उससे पहले जो मेरे पास सिंपल शेप वाले स्प्रिंग रोल्स हैं उनको बना के तरह साइड पर करूँ क्योंकि एक दफ़ा तो हमने शेप देख ही लिए कैसे बनाए इसकी फिलिंग में जो है मैंने चिकन शिमला मिर्च और बंद गोभी इस्तेमाल किया है साथ इसके मैंने सोया सॉस विनेगर चिली सॉस और नमक मिर्च कुड़ी लाल मिर्च पीसी लाल मिर्च चाट मसाला वगैरह इस्तेमाल किया अजी अब आ गई दूसरी शेप इसे आप मोमो या फिर कचौरी शेप भी कह सकते हैं ये देखे चाहिए होगी तैयार अब बनाते हैं तीसरी शेप फिलिंग में सबकी सेम ही रख रही हूँ शेप्स मैंने चेंज कर दिए हैं आप लोग चाहें तो इस फिलिंग में अगर आप मेक्रोनी बॉईल करके डाल देना तो वो आपके मेकरोनी समोसा या मेक्रोनी रोल बन जाएंगे अच्छा ये जो शेप है ना इसके लिए आपको नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो हम इसको बंद कर लेते ताकि ये साइडों से निकले ना आपने पूरा नहीं काटना सिर्फ केले के वन थर्ड पार्ट काटना है ठीक है इस तरीके से काट के पूरा नहीं काटा मैंने ओके अब इसको दोबारा हम एक दफ़ा और रोल करेंगे मेक श्योर करने के लिए कि हमारी फिलिंग बाहर ना निकल जाए ओके अब आप चाहे तो इस पॉइंट पे पानी लगा दें या फिर एंड में लगा दें ये आ गई आपकी क्रीम रोल की शेप मैं हल्का सिया पानी लगा देती हूँ जैसे हम नॉर्मल क्रीम रोल खाते हैं तो उसकी शेप इस तरह की होती है उस तरह के आपके स्प्रिंग रोल बन गए हैं ठीक ये होगी हमारी तीसरी शेप अब बारी हमारी चौथी शेप की है फीलिंग आपकी मर्ज़ी है मैंने जरा ज़्यादा ही रखी है मेरे घर वालों को ज़्यादा पसंद है तो वैसे भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा फीलिंग होनी चाहिए मज़ा आता है खाने में लेकिन इतनी भी ज़्यादा ना हो कि वो सारी निकलना शुरू हो जाए ये चीज़ आप मेक श्योर करें अच्छा अब यहाँ पे साइडों में थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ कि ये गैप से ना निकलना ना शुरू हो जाए क्योंकि होता ही है कि अगर इसका गैप खुला रह जाएगा ना और ऑयल अंदर चला गया तो वो अंदर से पूरा जला देता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता तो ये मेक श्योर करना है कि इसके गैप्स ना हो साइडों से खुला हुआ ना हो अच्छा अब ये हो गया इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ लेकर आते हैं ठीक है अब इसमें अब इसको हम फिर से चाकू से काटेंगे लेकिन इस दफ़ा हमारी शेप डिफरेंट होगी ये कटिंग होगी आप लोगों ने चिकन ब्रेड तो खाया होगा हम चिकन ब्रेड के स्टाइल में ये रोल बनाने वाले हैं जिस तरीके से हम चिकन ब्रेड को एंड में कटिंग करके उसको कवर करते हैं हम वही वाला स्टाइल अपनाने वाले हैं इस पर मैं पानी पहले से लगा दूँगी बिकॉज़ मुझे मेक श्योर करना है कि ये चिपके अंदर की तरफ से ये हमारी एक और बार हम फोल्ड कर लेते हैं ये देखें अभी तीन एक तरफ चले गए हम अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये देखे जी ये हो गया आपके चिकन बेड स्टाइल रिंग रोल तैयार ये हो गया आपकी चौथी शेप ठीक है ये देख लिया आप लोग अच्छा अब पाँचवीं शेप की बारी इस पर क्या करना है हमने इस फिलिंग मैंने पहले ही भर दी है ठीक है कुछ लोग इसे सैंडविच शेप भी कहते हैं अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लेकिन क्योंकि मेरी जो है रोल पट्टी की शेप ठीक नहीं थी तो मैं इसको थोड़ा सा ना मॉडिफ़ाई करने वाली हूँ ताकि ये वो शेप दे दे जो मैं इसको दिलवाना चाह रही हूँ उसके लिए मैं ज़रा सा पानी लगाऊँगी ताकि इसको मैं शेप दे सकूँ वैसे तो उसके लिए पूरा गोल इस्तेमाल करते लेकिन मेरे पास गोल नहीं था मैंने कहा उसी को हम एडजस्ट कर लेते हैं इन्वेंशन फिर इसी को कहते हैं ना मैंने ये स्टेप काटा नहीं मैं आप मैंने आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने कैसे किया है अगर मैं फ़ाइनल फॉर्म उसकी जस्ट वो दिखा देती आप लोगों को तो फिर मज़ा नहीं रहा आप लोगों को पता नहीं चलता कि मैंने उस शेप को कैसे शेप में कन्वर्ट किया इसके लिए हमें चाहिए एक पोक यानी कि काटा इसको हम इस पर प्रेस करेंगे इसकी बाउंड्री पर लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं करना कि वो पूरा ही कट जाए क्योंकि जो ये रोल पट्टी की जो डो होती है वो सॉफ्ट होती है इसको इतना प्रेशर देना है कि जस्ट शेप आ जाए ओके okay? बहुत ज़्यादा नहीं देना ये देखे जी ये देखे आ गई ना वो शेप पहले डी आ रही थी रवा आ गई पीछे से एकदम प्लेन है और ये देखे जी ये आ गई हमारी पाँचवीं शेप अब बारी हमारी छठी शेप की साइडों से मेक श्योर कर लिया करें कि ये कवर्ड हो वरना ऑयल अंदर चला के तो जल जाएगा मैं दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को आप लोग आजकल रमज़ान में क्या रूटीन है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना रहे हैं। अच्छा ये जो शेप है ना ये हमारी टॉफ़ी शेप है अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस टॉफी शेप को देने के लिए आप थोड़ा सा साइडों पर पानी लगा लें ताकि वो एक चिपक जाए अच्छे तरीके से साइडों से खुला ना रहे आप यहाँ पे चाहें तो फोक से ना बिल्कुल इसकी एच पर एक दफ़ा प्रेस कर सकते हैं फोक को उसे अच्छी सी शेप आ जाएगी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी मैंने नहीं किया अब बारी आखिरी शेप की अच्छा जी इसमें फ़िलिंग मैंने कर ली है फर्स्ट ये समोसा लगता है लेकिन ये समोसा नहीं है मैं हम लोगों को बताती हुई क्या है इसको नीचे वाला इसे नहीं खुले रहने का खतरा होता है तो मैं इसको पहले ही बंद कर दूँ अच्छा जी इसको यूँ पकड़ते हैं फोल्ड करते हैं और इसको तो ये है हमारी बुके शेप गुलदस्ता होता है ना फूलों का ये उसकी तरह की शेप है ये, ये देखें जी हो गया तैयार नीचे से पकड़ने का बुके ठीक है ये देखें हो गया तैयार आप लोग की अपनी मर्जी आप जो मर्जी शेप रखना चाहें इस तरह की शेप जो है ना बच्चों को अच्छी लगती है तो उनको खिलाने में जरा आसानी होगी वैसे वो कभी कभी नखरे करते हैं वो खाते नहीं है ये देखिए जी हमारे बुक की शेप तैयार होगी ये देखिए ये हमारी सात शेप तैयार होगी हम इनमें से एक कचोरी शेप है क्रीम रोल है सैंडविच है टॉफी और बूखे सारे हैं एक हमारा स्प्रिंग रोल है एक देख लें आप लोग अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसको हल्की आंच पे आप लोग फ्राई करें अच्छा फ्राई हो गई है कॉमेंट करके मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ट्राई की तो कैसी बनी है